तो नेक्स्ट यहाँ पर शी गेम मी सम मनी यहाँ पे का सब्जेक्ट वर्क सेकंड फॉर्म मी ऑब्जेक्ट एंड सम मनी ऑब्जेक्ट तो उनके पैसिव कैसे बनते हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो मी भी ऑब्जेक्ट एक सम मनी की भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो शी गेम मी सम मनी शी गेव इसका एक ऑब्जेक्ट है शी गेम वॉट शी गेम होम मी एंड शी गेव वॉट सम मनी तो यहाँ पे होम से ये निकल रहा है शी मी सम मनी एंड वॉट से ये निकल रहा है तो so, दो ऑब्जेक्ट निकल रहे है तो so, उन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है शी शी गेम मी मनी शी गे मी शी गेव होम मी वॉट सम मनी दोनों से ऑब्जेक्ट निकले तो उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस में सो हमने देखा इन सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं इन सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं मी एंड सम मनी सो एक वर्ग के दो ऑब्जेक्ट हैं मी एंड सम मनी सो so, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जैसे जिसका वर्ड पे आंसर रिप्लाई करके इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जिसका होम पे आंसर आए यहाँ पे जैसे शी गेव मी वॉट सी गेव मी सम मनी तो ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या है शी गेव मी शी गेव होम मी वो होम से आंसर आए वो 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 इन डायरेक्ट है वर्ड से जिसका आंसर आया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जिसका आंसर होम से आ रहा है वो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तुम्हारी सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए और मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो इससे सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्व इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसका पैसे बनेगा सब्जेक्ट वर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू फोर एंड देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे सी गे मी मनी इसका होगा शी गेव सम मनी टू मी तो उसका बन जाएगा शी तो यही रहेगा देन गेव का गेव ही रहा है तो शी गेव सम मनी टू मी तो ये क्या है एक ही जो सेंटेंस है दो तरीके से लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं शी गे मी मनी मनी शी शी गे मी मनी ये लिख सकते हैं शी गेव सम मनी टू मी शी सम मनी टू मी क्या शी गेव मी सम मनी तो इसका क्या जाएगा सम मनी गेव अ वर्ड बाय वाज वाज गिवन टू मी बाय हे जाएगा वाज गिवन टू मी बाय हर जैसे क्या आई वॉज गिविन सम मनी बर बाय हर ऐसे हो आई वॉज गिविन सम मनी बाय हर तो ये सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट तो आई वॉज गिविन वे सेकेंड फॉर्म वॉज लगेगा वॉज गिविन सम मनी बाय हर ऐसे लिख सकते हैं सम मनी वॉज गिविन टू मी बाय हर जैसे जो मैंने लिखा था ये सेकेंड सेंटेंस दो तरीके से लिख सकता था आई वॉज गिविन सम मनी बाय हर या सम मनी वॉज गिविन टू मी बाय हर शी गेव मी सम मनी टू मी शी गेव सम मनी टू मी तो इसका ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा मतलब एक ही सेंटेंस एक सेंटेंस को दो तरीके से लग सकता है शी गेव मी सम मनी आई शी गेव सम मनी टू मी सो आई वॉज गिव इन सम मनी बाय हर या सम मनी वॉज गिविन टू बी बाय हर ही हैज शोन मी ओनली गुड थिंग्स सो ओनली इसका ओनली गुड थिंग्स ओनली गुड थिंग्स मी या लगाइक ओनली गुड थिंग्स हैज शोन हैज़ बीन शोन हो जाएगा हैज़ बीन शोन टू मी बाय हिम ओनली गुड थिंग्स बीन शोन टू मी बाई हिम या आई से अगर स्टार्ट करें मी का सब्जेक्ट आई वॉज आई वॉज तो क्या हो जाएगा आई हैज बीन उसमें आई हैज़ बीन शोन ओनली गुड थिंग्स बाई हिम हो जाएगा दो तरीके से बना सकते हैं या तो या तो हो जाएगा जैसे आई हैव बीन शोन ओनली गुड थिंग्स बाय हिम या ओनली गुड थिंग्स हैव बीन शोन टू मी बाय हिम क्योंकि उसका लिखने का तरीका आई शोन मी ओनली गुड थिंग या ही हैज शोन ओनली गुड थिंग्स टू मी जैसे शी ऑफर्ड हिम कॉफ़ी तो हिम एंड कॉफी सो कॉफी ऑफर वर्ल्ड के सेकेंड फॉर्मेगा कॉफी वॉज ऑफर्ड हिम बाय हर तो फिर वॉज ऑफर टू हिम बाय हर या ये लिख सकते हैं जैसे हिम की स्टार्ट करेंगे तो ही वॉज ऑफर्ड कॉफ़ी बाय हमेगा तो ही वॉज ऑफर्ड कॉफ़ी बाय हर या कॉफी वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय ह